नमस्कार, मैं त्रिलोक शर्मा जयपुर राजस्थान से मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज आपको इस चैनल पर इस प्रोग्राम में एक ऐसे व्यापार की जानकारी देने आया हूँ जिससे आप अपनी लाइफ में आत्मनिर्भर बन सकते हैं, स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस लॉकडाउन के पीरियड में आप घर रहते हुए भी एक इनकम का जरिया पैदा कर सकते हैं। तो जरूरत है इस प्रोग्राम को पूरा देखने की और ध्यान से देखने की। आप शारीरिक रूप से यहाँ आ चुके हैं, उम्मीद करता हूँ आप मानसिक रूप से भी यही रहेंगे। अपने आप को एक शांत वातावरण में ले जाइए और इस प्रोग्राम को पूरा ध्यान से सुनिए क्योंकि ये प्रोग्राम आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। तो मैं शुरू करूंगा इस प्रोग्राम को, चलिए देखते हैं इस लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी को। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक ऐसे रास्ते की तरफ जो आपकी हेल्थ और वेल्थ मेंटेन कर सकता है। जी हाँ, आप यहाँ से अपनी हेल्थ यानी अपना इम्यूनिटी सिस्टम भी अच्छा रख सकते हैं और साथ ही अगर आप घर बैठे पैसा कमाना चाहते हैं तो वो भी कमा सकते हैं। तो आइए जानते हैं उस इंडस्ट्री के बारे में। उस इंडस्ट्री का नाम है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। जितने भी नए लोग मुझे अभी यूट्यूब पे देख रहे हैं वो सोच रहे होंगे कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है, तो आइए इसको समझ लेते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग को आपको समझना होगा डायरेक्ट सेलिंग को समझने से पहले। एक कंपनी होती है जो माल बनाती है और कस्टमर उसे खरीदता है, लेकिन आपस में ये नहीं मिलते हैं। ना तो कस्टमर कंपनी जाता, ना कंपनी कस्टमर के घर आती। इनको मिलाने के लिए कुछ बिचौलिए होते हैं जैसे C&F, स्टॉकिस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर और टीवी पर एड। कोई भी चीज 3 रुपए में का अगर कंपनी बनाती है तो इनके पास बाईपास होते 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 कस्टमर तक वो 10 रुपए में पहुंचती है। 70% मार्जिन इन बिचौलियों में बढ़ जाता है। फॉर एक एग्जाम्पल, अगर पेप्सी की बोतल का लूं 10 रुपए की, कंपनी में बनी 3 रुपए में, C&F को 4, स्टॉकिस्ट को 5, डिस्ट्रीब्यूटर को 6, होलसेलर को 7, रिटेलर को 8, आमिर खान ले गया पर बोतल 1 रुपया का ठंडा ठंडा कोको कोला करने का 9, और कस्टमर तक आते आते वो बोतल हो गई 10 रुपए की। 70% मार्जिन ये बिचौलिया ले गया। इसे कहते हैं ट्रेडिशनल व्यापार, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में इनको बाईपास कर दिया जाता है। बीच में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होती है जो अभी भी प्रोडक्ट कंपनी से बनवाती है और कस्टमर तक पहुंचाती है, लेकिन अब कस्टमर से कहा जाता है तू ही हमारा सलमान खान, तू ही हमारी ऐश्वर्या राय है, तू ही हमारा दुकानदार है, तू ही हमारा होलसेलर है, सारे काम तुझे ही करने होते हैं। तो एक कस्टमर के माध्यम से दूसरे कस्टमर को माल बिकवाया जाता है और जो बीच का पैसा होता है वो कस्टमर्स में ही डिवाइड कर दिया जाता है। इसको डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। ग्राहक के जरिए ग्राहक से माल बिकवाना और बिचौलियों का पैसा वापस ग्राहकों में बांट देना। आइए जाने इस इंडस्ट्री के बारे में और कि ये कैसे काम करती है। तो फ्रेंचाइजी सिस्टम आपने सुना होगा, जैसे आपने देखा होगा बाटा की दुकान है बहुत सारी जूतों की, ऐसे ही एक मशहूर रेस्टोरेंट है जिसके पूरे वर्ल्ड में 36,000 रेस्टोरेंट है। इस रेस्टोरेंट का पहले रेस्टोरेंट का जन्म अप्रैल 15, 1955 में रे क्रॉस ने किया जो अब इस दुनिया में नहीं है, और उन्होंने एक ऐसे सिस्टम का निजात किया जिनकी वजह से इन्हें बहुत अच्छी पैसिव इनकम करोड़ों रुपए में आने लगी। क्योंकि अगर ये खुद काम करते, अकेले काम करते तो मैक्सिमम एक रेस्टोरेंट चला पाते, लेकिन इन्होंने फ्रेंचाइजी सिस्टम डेवलप किया। इन्होंने पहले 2 रेस्टोरेंट खोले, फिर 2 से 5 लोगों को फ्रेंचाइजी दी, 10 को दी, उन 10 के माध्यम से 50 लोगों ने उन्हीं को पावर दिया कि वो और फ्रेंचाइजी दे सके रेस्टोरेंट खोलने के लिए। इस तरह इन्होंने अपने रेस्टोरेंट से दूसरे रेस्टोरेंट को पावर देते हुए 36,000 ब्रांच रेस्टोरेंट की कर ले। अगर इस फ्रेंचाइजी सिस्टम के मैं और उदाहरण दूं तो डोमिनोज के पिज्जे के रेस्टोरेंट आप देखते होंगे इसी फ्रेंचाइजी तर्ज पे आधारित है। क्रॉसवर्ल्ड के शोरूम है, लैक्मे के सैलून है, कॉफी कैफे डे है। तो डायरेक्ट सेलिंग भी कुछ फ्रेंचाइजी सिस्टम है। आप यहाँ से पहले खुद फ्रेंचाइजी लेते हो और आप चाहें जितने लोगों को फ्रेंचाइजी देके इस बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बात करूं तो ये कोई नई इंडस्ट्री नहीं है, 70 साल पुरानी इंडस्ट्री है जो सफलतापूर्वक और सर्वाधिक तेजी से बढ़ रही है और 100 से ज्यादा देशों में बढ़ रही है। उनकी आर्थिक उन्नति में बहुत अच्छा योगदान दे रही है। भारत में इस इंडस्ट्री को आए हुए 20 साल से ज्यादा हो चुके हैं। भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा प्रमाणित उद्योग हो चुका है ये। भारत सरकार ने 2016 में इसके लिए गाइडलाइन जारी कर दी है और उसको लीगल कर दिया है। गाइडलाइन आने के बाद ये इंडस्ट्री तेजी से ग्रो कर रही है और हर साल 13,000 करोड़ का टर्नओवर इंडिया में कर रही है। ये बड़े बड़े VIP लोग हैं, जैसे अगर मैं बात करूं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनका मानना है कि ये बिजनेस बहुत अच्छा मॉड्यूल है बिजनेस करने का जो संयुक्त रूप से सबको समान रूप से ग्रो करने का अवसर देता है। बिल गेट्स कहते हैं कि अगर मैं आज 0 हो जाऊं, मेरा सब कुछ खत्म हो जाए, तो मैं दोबारा से ग्रो करने के लिए एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग, एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को चुनूंगा।
उसके बाद मैं बात करूं रॉबर्ट टी कियोसाकी की, जो बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने कई किताबें डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर लिखी है और उन्होंने बताया कि इससे महान बिजनेस दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। आप चाहें तो उस बिजनेस से फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। क्या ये वाकई में बड़ा बिजनेस है? इंडिया में भी कई बड़े बड़े मंत्रालय और कई बड़े बड़े लोग कह चुके हैं। अगर मैं बात करूं नीति आयोग की, तो वहां के सीईओ अमिताभ कांत जी का कहना है कि ये इंडस्ट्री भारत को सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देने वाली इंडस्ट्री है। आगे बात करूं तो फिक्की की, फेडरेशन ऑफ इंडियन कॉमर्स एंड चैंबर्स एंड इंडस्ट्री का मानना है कि 2025 आते आते 64,000 करोड़ की इंडस्ट्री होने वाली है। कैबिनेट मंत्री रामविलास पासवान जी के भी कई आर्टिकल आ चुके हैं इस इंडस्ट्री के ऊपर। वो कहते हैं कि 9,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करके देने वाली है ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 2025 तक। जैसा आप पेपर्स की कटिंग देख रहे हैं, 2025 तक 64,000 करोड़ की इंडस्ट्री होने वाली, ऐसा पेपर्स में भी आ चुका है। और अब तो दिल्ली यूनिवर्सिटी, एमबीए कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज में भी इस इंडस्ट्री के बारे में अलग से पाठ्यक्रम है, अलग से कोर्स है जो पढ़ाया जा रहा है इस इंडस्ट्री के बारे में। तो बात आती है, इंडस्ट्री बहुत मजबूत है, इंडिया में लीगल हो चुकी है, बहुत सी कंपनियां इंडिया के अंदर काम कर रही है, तो चुनाव किस कंपनी का करें? तो आज यहाँ जिस कंपनी के बारे में आप जानेंगे, वो पांचों पी उसके किसी भी कंपनी को करने से पहले, चूंकि पांचों पी चेक कर लेने चाहिए, तो पांच पी सॉलिड वाली कंपनी आज आपके सामने है। कौन से हैं वो पांच पी? वो है प्रोफाइल, प्रोडक्ट प्लान, पे आउट सिस्टम और प्रमोशनल सपोर्ट। प्रोफाइल मजबूत होना चाहिए, प्रमोटर सॉलिड होने चाहिए, कंपनी के लीडर्स की इनकम समान ग्रोथ होनी चाहिए। प्रोडक्ट की बात करूं तो क्वालिटी ओरिएंटेड होने चाहिए, आम से खास तक की पहुंच के प्रोडक्ट कंपनी के पास होने चाहिए, और गवर्नमेंट की लेबोरेटरी और मंत्रालयों से सर्टिफाइड हो तो और सोने पे सुहागा होगा। प्लान की बात करूं तो प्लान सिंपल होना चाहिए, हर व्यक्ति के समझ में आना चाहिए और वहां प्लान के अंदर समान रूप से पैसा बंटना चाहिए। पे आउट सिस्टम की बात करें तो भारत में अधिकतर मंथली मिलती है, जब भी किसी को सैलरी या कमीशन या कुछ भी मिलता हो, तो अगर वीकली सिस्टम हो, हमारे यहाँ वीकली सिस्टम मिलेगा आपको पे आउट सिस्टम में, और टीडीएस काट के गवर्नमेंट को टैक्स चुकाने के बाद सारा पे आउट मिलना चाहिए। उसके बाद प्रमोशनल सपोर्ट, कंपनी का खुद का एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए जिसको जिसमें कंपनी लीडर्स और नए जुड़े हुए व्यक्तियों को सिखाती हो कि आगे कैसे ग्रो करनी चाहिए। तो इन पांचों पी में सॉलिड जो भारत की नंबर वन कंपनी है, उसका नाम है एमआई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल। कंपनी के बारे में बात करूं तो ये प्रमोटर्स हैं कंपनी के, कैलाश भट्टर जी सीईओ हैं, सलील मेहतू जी सीओओ हैं, वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग आलोक पांडे जी हैं, और चीफ कंसल्टेंट मिस्टर के राजेश हैं। इनके अलावा भी रीजनल मैनेजर और बहुत सारे पैनल हैं जो कंपनी में एक अच्छे से बने हुए हैं, जो कंपनी का ये सारा मैनेजमेंट ग्रो करवाने में, डिस्ट्रीब्यूटर को ग्रो करवाने में लगा हुआ है। तो प्रमोटर एकदम सॉलिड है। उसके मैं बात करूं तो हमारा मुख्य ऑफिस चेन्नई में है, कॉर्पोरेट ऑफिस नई दिल्ली में है, आईएसओ 9000:2015 सर्टिफाइड कंपनी है, आर्थिक रूप से मजबूत कंपनी है, प्रबंधन को 19 साल का अनुभव है, फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन कॉमर्स एंड चैंबर्स एंड इंडस्ट्री की मेंबर है, और एफडीएसए फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की भी सदस्य है कंपनी। ये हमारी वेबसाइट है जिसपे और ज्यादा जानकारी आप वेबसाइट पे जाके ले सकते हैं, www.mlifestylemarketing.com। 500 से ज्यादा लोकेशन पे ऑल ओवर इंडिया में हमारी शॉप्स हैं जहाँ से आप हमारे प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। हाँ, अभी कोरोना है तो घर से बाहर निकलना सेफ नहीं है, तो आप www.indiashopping.com पे जाके ऑनलाइन ऑर्डर भी मार सकते हैं। इसके बाद बात करें हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी, हमारा खुद का एजुकेशन सिस्टम है जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर और नए जुड़े व्यक्ति को समय समय पर ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाती है, जैसे प्रोडक्ट ट्रेनिंग हुआ, जैसे सिस्टम ट्रेनिंग हुआ, लीडरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग हुआ, तो यहाँ प्रमोशनल सपोर्ट भी है। ये सारे लीगल डॉक्यूमेंट हैं। आज जिसको भी जिसने भी आपको YouTube पे इनवाइट किया है ये प्रोग्राम देखने के लिए, उससे आप ये लीगल डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी लेना चाहें तो ले सकते हैं और हमारी वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट के कई सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं अभी भारत को आगे बढ़ाने के लिए। उनमें एक प्रोजेक्ट स्किल इंडिया है जो रिटेलर एसोसिएशन स्किल काउंसलिंग ऑफ इंडिया के तत्वाधान में चल रहा है, उससे भी एमआई लाइफस्टाइल ने टाई अप कर रखा है, और इस टाइप के जरिए आपका एक एग्जाम होता है अगर आप एमएलएफ स्टाइल के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और अगर आप उस एग्जाम को पास करते हैं तो आपको यहाँ स्किल इंडिया सर्टिफिकेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, जो आपके सेल्स प्रोफेशन में बहुत काम आता है। उसके बाद मैं आगे बात करूं तो हमें हमारे ब्रांड्स की और हमारे प्रोडक्ट की, तो 2017 में ई रिटेल पुरस्कार हमें मिल चुका है। उसके बाद 2019 में बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड से भी हमारे ब्रांड एलिमेंट को नवाजा जा चुका है। उसके बाद मैं बात करूं व्हाट टू डू, करना क्या है, कुछ नया नहीं करना, या नए व्यक्ति को जो आज तक करता आया है वही करना है। हम कुछ ना कुछ खरीदते हैं और अच्छा लगता है तो उसकी चर्चा करते हैं।
जैसे फलानी बाइक बढ़िया, फलानी पिक्चर बढ़िया, फलाने प्रोडक्ट बढ़िया, फलानी साड़ी की दुकान बढ़िया, फलाना मिठाई वाला बढ़िया। हमारी चर्चा से प्रेरित होकर लोग वहां जाते हैं, उन चीजों को खरीदते हैं, लेकिन हमें उसके बदले कुछ नहीं आता। इन्हीं दो आदतों का आपको व्यापार में इस्तेमाल करना है। जी हाँ, आदत नहीं बदलनी, आदत अभी भी चालू रखिए, खर्चा और चर्चा अभी भी कीजिए। बदलना क्या है आपको? ब्रांड और दुकान। तो जो ब्रांड हमारे पास हैं वो जबरदस्त हैं, आयुर्वेदिक ब्रांड्स हैं और गवर्नमेंट से सर्टिफाइड ब्रांड है। पहला है ऑन एंड ऑन और दूसरा है एलिमेंट। इसके अलावा न्यू स्टार आहार, एमआई होम, इंडिया एग्रो करके और जबरदस्त ब्रांड है। ये बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं, महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं। पहले हैं डॉक्टर डीबीए नारायणा, जो 49 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं आयुर्वेद के अंदर। रेनबैक्सी, डाबर जैसी बड़ी कंपनियों के लिए काम कर चुके हैं। हमारे बहुत से प्रोडक्ट इन्हीं के शोध, इन्हीं के आविष्कार से बने हैं। डॉक्टर केसी गवंडन जी कॉस्मेटिक आइटमों के स्पेशलिस्ट हैं। हमारे अधिकतर कॉस्मेटिक आइटम इन्होंने डिजाइन किए हैं। ये बड़े बड़े मार्काज हैं, अगर मैं एक एक के बारे में बताऊंगा तो अगला 1 घंटा इसी में स्पेंड हो जाएगा। तो मैं आपको मेन मार्का के बारे में बता देता हूँ। वो है आयुष का प्रीमियम मार्का, जो आप येलो निशान रेड रिबिन में देख रहे हैं। आयुर्वेदिक, यूनानी, योगा, सिद्धा, होम्योपैथी, इनको प्रमाणित करने का काम करता है ये। भारत सरकार का मंत्रालय है और 21 जून को जो योग दिवस होता है वो इसी के तत्वाधान में होता है। तो हमारे जो एलिमेंट ब्रांड के प्रोडक्ट हैं, 30 से 40 प्रोडक्ट को आयुष का प्रीमियम मार्का मिला हुआ है, जो अभी पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 125 से 150 प्रोडक्ट होंगे जिनको मिला हुआ है। उनमें 30 से 40 प्रोडक्ट हमारे हैं, तो क्वालिटी बिल्कुल जबरदस्त है। और अभी मोदी जी कह रहे हैं इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट रखिए, तो हमारे पास दुनिया का सबसे ताकतवर प्रोडक्ट है जो इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है, जो आप पहला मार्का देख रहे हैं, ब्रुंसविक लैब। वो प्रोडक्ट अमेरिका के ब्रुंसविक लैब से सर्टिफाइड है। तो आगे मैं बात करूं, हेल्थ केयर रेंज है हमारे पास, न्यूट्रिशन केयर रेंज है, पर्सनल केयर रेंज है, एग्रीकल्चर रेंज है, होम केयर रेंज है, फूड आइटम है, फैशनेबल आइटम है। दो टाइप के आपको यहाँ कूपन प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे ही आप कंपनी को पेमेंट करते हैं तो आपको वाउचर मिलता है, एक G75 है, दूसरा G35 है। G75 में आप ऑन एंड ऑन और एलिमेंट का प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, और G35 में आप न्यू स्टार, एमआई होम, आहार और इंडिया ग्रो के प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। इन कूपन्स की वैलिडिटी 90 डेज की रहती है। 90 डेज के दौरान आप आराम से इन प्रोडक्ट्स को परचेस कर सकते हैं। और अभी कोरोना काल में कंपनी ने ऑफर भी दे रखा है, अगर आप 10,000 की परचेसिंग एक साथ करते हैं तो आपको 750 का माल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। अगर आप 7,500 की परचेसिंग एक साथ करते हैं तो आपको 500 का प्रोडक्ट फ्री दिया जाता है। तो जबरदस्त ऑफर है, आपको अभी ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहिए। तो हमारा जो फर्स्ट प्रोडक्ट है, दुनिया का सबसे ताकतवर, रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाने वाला, इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत रखने वाला प्रोडक्ट हेल्थ ड्रिंक 95 है। 13 तरह की दुर्लभ बेरियों का मिश्रण है ये। आमला, नोनी, एलो, गोजी, अकाई, रेड, इस टाइप की बेरियां आती है अलग अलग, उनका मिश्रण है ये। इसके बहुत शानदार रिजल्ट मिले हैं कंपनी को अब तक। कई लोगों की थायराइड की गोली परमानेंट बंद हो गई है, कई लोगों की अस्थमा का पंप बंद हुआ है, कई लोगों का फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज का कैंसर रिकवर हुआ है, कई लोगों को इन्फेंट्री की प्रॉब्लम थी, बच्चा नहीं लग पा रहा था, इस प्रोडक्ट को लेने के बाद वो माता पिता बने हैं। बहुत सारी बीमारियां, किडनी का इन्फेक्शन, लीवर का इन्फेक्शन, माइग्रेन की प्रॉब्लम, बहुत सारी बीमारियां इसने रिकवर करके दी है, लकवे में रिकवरी मिली है। आप मेरी बात पे भरोसा मत कीजिएगा, यूट्यूब पे बहुत सारे टेस्टिमोनियल हैं जहां मरीज और डॉक्टर खुद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि उनको इस प्रोडक्ट से क्या फायदा हुआ। आपको सिर्फ इतना सा टाइप करना है यूट्यूब पे, 95 प्रीमियम हेल्थ ड्रिंक रिजल्ट, तो आपको वो सारे रिजल्ट मिलेंगे। अमेरिका की लेबोरेटरी ने इस प्रोडक्ट को सर्टिफाइड किया है कि इससे ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट पूरी दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। आगे बात करूं न्यूट्रिशन केयर रेंज की, तो न्यूट्रलाइफ 2 फ्लेवर में आता है, वनीला और मैंगो। ऐसे बच्चे जिनकी हाइट नहीं बढ़ रही, वेट नहीं बढ़ रहा, उनको दे सकते हैं, कमजोर स्त्री पुरुषों को दे सकते हैं। कवच प्राश ऑल सीजन फॉर्मूला है, 12 महीने काम में लिया जा सकता है। और अभी आप इस कोरोना काल में लेते हैं तो आपको ये खांसी और कफ से दूर रखता है, इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है। प्रोटीन पाउडर 80% प्रोटीन की मात्रा, चारों तरह के प्रोटीन मौजूद है, टोटली आयुर्वेदिक है, एस्ट्रॉइड की मात्रा नहीं डाली गई है। मेल्टफेल्ड, ऐसे व्यक्ति जो अपना मोटापा कम करना चाहते हो इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। डाइबा लाइफ 36 पोथी लहसुन की खा लें या 1 टैबलेट ये खा लें, बात बराबर है, शुगर को कंट्रोल करने का काम करता है। ये पेटेंट प्रोडक्ट है हमारी कंपनी के अलावा, इंडियन मार्केट में इसको कोई बेच नहीं सकता और प्योर आयुर्वेदिक है। कैप्सूल रेंज की बात करूं तो लीवर किंग कैप्सूल, लीवर से रिलेटेड कोई भी शिकायत में ले सकते हैं। MnO3 हर्ड बर्ड, आंवला का नाम सुना होगा आपने, त्रिफला चूर्ण, कैप्सूल फॉर्म में बनाया है हमने उसको, ताकि कड़वा कड़वा ना लगे और लेने में आसानी रहे, डाइजेशन के ऊपर काम करता है। वेल हार्ट, ऐसे मरीज जिनको हार्ट अटैक आ चुका, छल्ला डल चुका, बीपी कम ज्यादा रहता हो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, उनको दे सकते हैं। नोवेदना जेल और नोवेदना कैप्सूल, कहीं का भी दर्द हो, इन दोनों प्रोडक्ट का आप इस्तेमाल करते हैं तो उस दर्द में आराम मिलता है, पेट दर्द को छोड़ के सारे दर्द पे काम करता है।
फाइट स्ट्रेस, किसी भी तरह का तनाव हो, स्ट्रेस हो, उसको दूर करने की ताकत रखता है। डेली डिटॉक्स अंदर से बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, अंदर का साबुन कह सकते हैं, अंदर से क्लीन करता है बॉडी को। ब्लो 37 बुखार उतारने का काम करता है, शरीर के टेम्परेचर को नॉर्मल करता है। फिलिंग कैप्सूल, आयरन की कमी हो गई हो, हीमोग्लोबिन की कमी हो गई हो तो लिया जा सकता है। मेन शक्तिमान ऐसे पुरुष जो अपने लविंग डिजायर को बढ़ाना चाहते हो, मर्दाना ताकत को बढ़ाना चाहते हो, वो इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अर्जुन की छाल आती है जो हार्ट को सिक्योर रखती है, और सफेद तिल के फॉर्मूले पे आधारित है। शैवाल से आती है समुद्र में, काई आती है उससे हमारा स्पाइल होना बना हुआ है। नासा ने इस प्रोडक्ट की खोज की थी, ये भी एक तरह का इम्यूनिटी सिस्टम बूस्टर है, रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है। कफनेल कैसे भी खांसी हो, गीली सूखी, बच्चे, बूढ़े, डायबिटीज के मरीज को, सभी खांसियों पे काम करता है। इसमें अल्कोहल नहीं आता है। ब्लड प्यूरिफायर, ब्लड से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, पिंपल हो गए हो, चम रोग हो गया हो तो दिया जा सकता है। एक शोध के मुताबिक भारत में हर छठी महिलाओं को पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी के टाइम पे नहीं आते, उचूक आते हैं, दर्द रहता है, तो उसमें बहुत अच्छे से ये प्रोडक्ट काम करता है। लिवर गेन लिक्विड में भी आता है, फिलिंग सिरप लिक्विड में भी आता है। यूरिक प्लस कमाल का प्रोडक्ट है, पथरी को गलाने का काम करता है, अंदर के अंदर पित्त की थैली की पथरी को छोड़ के हर तरह की पथरी को गलाने की ताकत रखता है। बिना ऑपरेशन के आप पथरी से निजात पा सकते हैं। गाल, खाल, बाल तीनों जगह पे लगा सकते हैं हमारा चंपी चैंपियन तेल। वाउंडिलिंग क्रीम कटने, जलने, छिलने में लगा सकते हैं। दो तरह के फेस वॉश हैं, फेयरनेस क्रीम है, तीन तरह के पेस्ट हैं, दो तरह के शैम्पू हैं, तीन तरह के लोशन हैं। गजब के रिजल्ट हैं इनके भी, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट हैं, बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं। अंडर आई जेल आंखों के काले धब्बे मिटाने के लिए, डे नाइट क्रीम चेहरों की झुर्रियां मिटाने के लिए, महाभृंगराज ऑयल हमारा सेकेंड सबसे हाइएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट जो बालों का झड़ना 15 से 30 दिन के अंदर अंदर रोक देता है, लगातार इस्तेमाल करें तो बाल आते भी हैं। दो तरह की क्रीम है, गुलाब की खुशबू में हैंड वॉश है, लग्जरी साबुन है, हल्दी, चंदन, नीम, स्ट्रॉबेरी, पपीते में, वैसलीन है, स्क्रब है, 20 रुपए की रेंज में शैम्पू है, 100 रुपए की रेंज में फेस वॉश है, 28 रुपए से लेकर 40 रुपए तक की रेंज में सोप्स है, टलकम पाउडर है, 50 रुपए की रेंज में नीम पेस्ट है, आंवला हेयर ऑयल है, टॉयलेट क्लीनर, फ्लोर क्लीनर, डिश वॉश लिक्विड, डिश ग्लास क्लीनर वगैरह जैसी रेंज है। हल्दी, मिर्ची, धनिया, गरम मसाला, चाट मसाला, कॉर्नफ्लेक्स वगैरह है। खेती से रिलेटेड प्रोडक्ट जो बिना पेस्टिसाइड्स के जैविक खेती को के जरिए 2 से 3 गुना खेती को बढ़ा सकते हैं, जिनमें आप फसल की पैदावार को अच्छा कर सकते हैं, ऐसे प्रोडक्ट भी हैं। और साथ ही किसानों को एक आर्थिक मदद दे सकते हैं इन प्रोडक्ट के साथ, बिजनेस को शुरू करवा के वो एक्स्ट्रा इनकम ले सकते हैं। बात आती है अब करना क्या है, कुछ नया नहीं करना, सबसे पहले यहाँ से कुछ खरीदना है, उसको यूज करना है, अच्छा लगे तो दूसरों को रिकमेंड करना है, और आपको इनकम स्टार्ट हो जाएगा। हमारे यहाँ 9 रास्ते हैं इनकम कमाने के। सबसे पहला है रिटेल बोनस, जो आप रोज कभी भी कितना प्रोडक्ट रिटेल करेंगे उस पर मिलेगा। फिर अगर आप टीम बनाते हैं तो सेल्स टर्नओवर वीकली मिलेगा, परफॉर्मेंस बोनस, रैंक इनकम, लॉयल्टी बोनस, ओवरराइडिंग बोनस, रॉयल्टी बोनस मंथली मिलता है, अवार्ड और रिवार्ड भी है, और सम्मान और विदेश जाने का मौका भी है। तो सबसे पहले अगर मैं रिटेल इनकम की बात करूं तो यह एक उदाहरण है महाभृंगराज हेयर ऑयल का। आपने टीवी पे एक कॉम्पिटिटर का एड देखा होगा टीवी पर, जिसका नाम है इंदुलेखा, महाभृंगराज ऑयल आता है। मार्केट में अगर आप लेने जाएंगे तो 200 ml की बोतल आपको 970 रुपए की मिलेगी। हमारा 200 ml मात्र 380 रुपए MRP है, और आपको पड़ता है अगर आप यहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो 270 में, यानी 40% रिटेल मार्जिन हुआ, 110 रुपया पर बोतल। तो आप प्रोडक्ट को रिटेल करके रिटेल इनकम कमा सकते हैं। लेकिन एक दिन में आप कितना रिटेल कर देंगे, क्योंकि जो भी सक्सेसफुल अमीर और कामयाब बनाए वो टीम वर्क से बनाए। आप अपनी गली, अपने मोहल्ले में जाके देखिएगा, जिसके लिए जितने ज्यादा लोग काम करते हैं वो उतना ही अमीर होता है। तो अगर आप यहाँ फ्रेंचाइजी सिस्टम डेवलप करते हैं कि पहले तो आप यहाँ की फ्रेंचाइजी ली, अपने घर की जरूरत का सामान खरीद कर, और फिर औरों को फ्रेंचाइजी देते हैं, तो आपको पैसा आ सकता है। वो आएगा आपको दूसरी इनकम में, जिसका नाम है सेल्स टर्नओवर बोनस, और ये मिलती है वीकली, हर 7 दिन में पैसा मिलता है। कंपनी का हफ्ता चालू होता है शनिवार को, क्लोजिंग करते हैं हम शुक्रवार को। अगर 100 रुपए का माल बिकता है तो जिस टाइप के वाउचर का प्रोडक्ट आपने लिया है, अगर G75 का लिया है तो बिजनेस वॉल्यूम काउंट होगा 75%, अगर G35 का लिया है तो बिजनेस वॉल्यूम काउंट होगा 35%। आपको दो टीमें बनानी होंगी, दोनों टीमों में जितना भी बिजनेस वॉल्यूम हफ्ते में आएगा उसको कंपनी मैच करेगी, और जितना सेम अमाउंट मैच होगा उसका 12% कमीशन आपको बुधवार के आपको खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। TDS काट के 1 नंबर का लीगल इनकम आपके खाते में आएगा। हो सकता है जितने भी नए लोग देख रहे हैं उनको ये इनकम समझ में नहीं आया हो, तो अब ध्यान से देखने की जरूरत है अगले स्लाइड में, जिसमें आप समझ पाएंगे। यू में आप अपने आप को मानिए कि आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया अपने घर के जरूरत का 10, 20, 30, 50 हजार रुपए का सामान लेकर। ऑर्गेनाइजेशन 1, ये आपका टीम 1, ऑर्गेनाइजेशन 2, ये टीम 2। मैं यहाँ उदाहरण G75 बिजनेस का वॉल्यूम का ले रहा हूँ, ऑन एंड ऑन और एलिमेंट वाले प्रोडक्ट्स का। मान लीजिए आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया, उसके बाद एक लिस्ट बनाई जितने लोगों को आप जानते थे, क्योंकि रिकमेंड आपको करना है ऐश्वर्या राय और सलमान खान, इन प्रोडक्ट्स के आप ही हैं।
तो 100 200 500 लोगों की आपने लिस्ट बनाई, उनमें से 10 लोगों को छांटा, उन 10 को ये बिजनेस प्रेजेंट किया आपने, आपने उस व्यक्ति की मदद ली जो आपको इस बिजनेस में लेके आया था, क्योंकि शुरू में आपको दिखाना नहीं आएगा। 10 लोगों को बिजनेस दिखाने के बाद 10 के 10 हाँ नहीं करेंगे, लेकिन हाँ कोई दो हाँ कर देंगे, ऐसा रेशियो रहता है सेल्स में। तो फॉर एग्जाम्पल आपका एक दोस्त था राम, जिसने 10,000 बीवी का बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट यहाँ से खरीदा, अप्रोक्स 13-14 हजार का माल लिया ऑन एंड ऑन और एलिमेंट का, जिसका 75% मैं यहाँ 10,000 मांग रहा हूँ। ऐसे कोई सुनीता जी, उन्होंने भी यहाँ 13-14 हजार रुपए का प्रोडक्ट खरीदा, जो 10,000 बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट हुआ। तो पहले हफ्ते 10,000 बीवी की सेल इधर आई, 10,000 बीवी की सेल इधर आई, मैच होगा 10,000, और इस 10,000 का 12% आपको कंपनी आपके खाते में ट्रांसफर करेगी 1,200। तो पहले आप अकेले थे, अब मिलके तीन लोग हो गए, तीनों मिलके काम करेंगे। अगली वीक इधर सेल आती है 50,000, राम ने और आपने अच्छा काम किया, लेकिन मैडम घर में थोड़ी बिजी रही तो कम काम हुआ, इधर सेल रह गई 25,000 की। तो सॉफ्टवेयर कम की साइड से मैच करेगा और 25-25 हजार मैच होगा, और इस 25,000 का 12% कंपनी आपको पे करेगी 3,000। अब नए लोग जो इस बिजनेस को अभी देख रहे हैं, उनके मन में सवाल जागा होगा, बचा हुआ 25,000 कहाँ गया? तो ये बचा हुआ 25,000 एज इट इज यहाँ रहेगा, कैरी फॉरवर्ड होगा लाइफ टाइम के लिए, कभी जीरो नहीं होगा। भारत में बहुत सी कंपनियों के अंदर ये इनकम महीने की आखिरी तारीख को जीरो हो जाती है, ये बिजनेस लैप्स हो जाता है। हमारे यहाँ लैप्स नहीं होता, लाइफ टाइम के लिए 1 करोड़ तक का बिजनेस वॉल्यूम कैरी फॉरवर्ड होता है। तो आप पहले अकेले, फिर दो लोग, धीरे धीरे 10-15 लोग, सबने मिलकर काम किया। अगले वीक इधर सेल आई 75,000, इधर आई 1 लाख। 75,000 में जो 25,000 पहले का बाकी था वो ऐड हुआ, ये हुआ 1 लाख। 1-1 लाख की मैचिंग होगी, और उसी 1 लाख का 12% आपको कंपनी ट्रांसफर करेगी, वो करेगी 12,000 रुपया। 1 से 2 साल आपने शिद्दत से काम किया, 1,000 लोगों की टीम इधर बना ली, 1,000 लोगों की टीम इधर बना ली। एक व्यक्ति अगर 1,000 रुपए का बिजनेस वॉल्यूम करता है हफ्ते में, तो 1,000 × 1,000 10 लाख की सेल इधर होगी, 10 लाख की सेल इधर होगी, मैचिंग होगी 10 लाख की, और इस 10 लाख का 12% कंपनी आपको पे करने वाली है उस हफ्ते 1,20,000। एक बहुत बड़ा टीम क्रिएट करने के बाद हर हफ्ते आपकी टीम में रिक्रूटमेंट होगा, मतलब लोग जुड़ते रहेंगे, रीपर्चेज दोबारा माल खरीदेंगे, रिटेल भी करेंगे, सेल्फ यूज भी करेंगे, होम शॉपिंग मतलब घर से दुकान खोलकर भी माल बेचेंगे, और बिजनेस की तरह तो करेंगे, तब टर्नओवर और बढ़ेगा। और अगर 20-20 लाख की सेल लगे एक हफ्ते में दोनों साइड आती है, तो मैचिंग होगी 20 लाख की, और इस 20 लाख का 12% मिलना चाहिए 2,40,000, लेकिन मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि सबको समान रूप से पैसा बांटना जरूरी है। आज से 3 साल पहले जो कंपनी में आया था उसको भी 12% देना है, आज आप शुरू करेंगे तो आपको भी 12% देना है, आपके मार्फत 2 साल बाद कोई इस बिजनेस में आया तो उसको भी 12% देना है। तो एक लिमिट जरूरी है, क्योंकि हर मकान के ऊपर छत जरूरी है। तो यहाँ आपको कंपनी मैक्सिमम जो देती है वो देती है 2,10,000। ये एक लाइन लिखी हुई है, इफ यू थिंक यू कैन यू कैन, अगर आप सोचते हो आप कर सकते हो तो आप कर सकते हो। अब मैं 100 लोगों को दिखाता हूँ 2,10,000 हफ्ता, तो 95% लोगों के सर के ऊपर से जाता है, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि हम तो महीने का 10,000 रुपए का नौकरी कर रहे हैं, यानी साल का 1,20,000 कमाते हैं, और आप हफ्ते के 2,10,000 की बात कर रहे हो। लेकिन कुछ लोग मुझे ऐसे भी मिले कि मैं तो मेरा बिजनेस करता हूँ और 20 से 25 लाख रुपए कमाता हूँ, हफ्ते का 2,10,000 यानी महीने का 8,40,000 ही आप दे रहे हो, ये तो बहुत कम है। तो ऐसे व्यक्ति जो अपने नींव मजबूत डालना चाहते हैं, आगे चल के उसी मेहनत पे इनकम को डबल या 3 गुना करना चाहते हैं, उनको ट्राइकोर से यह बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि मेरा सगा भाई भी अगर इस बिजनेस को स्टार्ट करेगा तो मैं उसे ट्राइकोर से ही शुरू करने के लिए कहूंगा। यू में आप हैं, ए आपका दोस्त, बी आपका दोस्त, इन दोनों ने अपने दोनों साइड टर्नओवर करके 50-50 हजार का बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट किया, तो आपकी इनकम ऑब्वियसली 1 लाख होगी, क्योंकि आपका बिजनेस डबल काउंट हुआ। लेकिन अभी आपने स्मार्ट डिसीजन लिया और ए और बी की जगह भी अपनी आईडी लगा ली, ए और बी की जगह भी अपनी ही आईडी लगा ली, तो आपका टीम डेवलप होगा ए बी सी डी आपके ट्राइकोड के डाउन से, तो ये 50 भी आपका होगा, ये 50 भी आपका होगा उसी टर्नओवर पे, और ये 1 लाख आपका था ही, यानी मेहनत वही थी, रिजल्ट डबल हो गया ट्राइकोड लेने से। तो मैं यही कहना चाहूंगा इस बिजनेस को देखने के लिए जितने भी नए लोग हैं यहाँ, आपको जिसने भी इनवाइट किया है उससे ट्राइकोड के बारे में अच्छे से जानिएगा और ट्राइकोड से इस बिजनेस को शुरू कीजिएगा। आगे बात करूं तीसरी इनकम, परफॉर्मेंस बोनस। कंपनी ने टारगेट दे रखे हैं रैंक्स के अकॉर्डिंग, अगर आप उसको अचीव करते हैं, जैसे यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करते ही आपको पहली रैंक मिलती है डिस्ट्रीब्यूटर, कोई भी व्यक्ति अगर 1-1 लाख का बिजनेस वॉल्यूम 1 महीने में मैच करता है अपनी दोनों टीमों में, तो कंपनी उसको 1.5% में हिस्सेदारी देती है। चूंकि अभी कोरोना काल है, कंपनी हमेशा अपने डिस्ट्रीब्यूटर और नए लोग जो आ रहे हैं उनकी केयर करती है, तो कंपनी ने भी इस टारगेट को रिड्यूस कर दिया है। आप यहाँ जो भी स्क्रीन पे रैंक वाइज टारगेट देख रहे हैं, अभी ये टारगेट नहीं है, इसको 50% रिड्यूस कर दिया गया है। 1-1 लाख की जगह आपको सिर्फ 50-50 हजार बिजनेस वॉल्यूम मैच करना होगा।
परफॉर्मेंस के बाद रैंक इनकम हर फील्ड में ओहदे होते हैं। बाबू चपरासी, क्लर्क, मैनेजर, ऐसे ही हमारे यहाँ भी ओहदे हैं, टीम कोऑर्डिनेटर से लेके क्राउन एम्बेसडर तक। तो आप जैसे स्टार सिल्वर जो आपको यहाँ स्क्रीन पे तीसरा लेवल दिख रहा है, 2.5 लाख का बिजनेस वॉल्यूम 3 ब्रांचों में कर लेते हैं तो आप स्टार सिल्वर बन जाते हैं। स्टार सिल्वर बनने के बाद आपकी टोटल टीम में जितना भी टर्नओवर आता है मंथली, उसका 2% कंपनी आपको एक्स्ट्रा देती है, और जैसे जैसे आपका रैंक बढ़ता है वो मैक्सिमम 7% तक जाता है। लॉयल्टी बोनस एक प्रकार का फिक्स इनकम है, जो डीटीसी डिस्ट्रिक्ट टीम कोऑर्डिनेटर 7.5 लाख का बिजनेस वॉल्यूम जो मैच कर लेता है वो करने के बाद मिलता है। आपकी टीम में जब जो लोग है ऑलरेडी एसोसिएट हैं, दोबारा माल खरीदते हैं तो उसको रीपर्चेस कहा जाता है। तो अगर आप 20-20 हजार का बिजनेस वॉल्यूम दोनों टीमों में डीटीसी बनने के बाद रीपर्चेस से मैच करवाते हैं पूरे महीने में, तो 5 हजार का फिक्स एक अमाउंट आपको उस महीने का लॉयल्टी मिलता है। ये मैक्सिमम 20 हजार तक आप ले सकते हैं अकॉर्डिंग टारगेट अचीव करके। अवार्ड और रिवार्ड भी हैं, 25 हजार के लैपटॉप फंड से लेके 75 लाख का विला फंड तक आप यहाँ अवार्ड एंड रिवार्ड में ले सकते हैं पर्टिकुलर टाइम पीरियड में रैंक को अचीव करके। ओवरराइडिंग बोनस, आप जिस रैंक पे हैं सेम रैंक पे अगर आपकी डाउनलाइन आ जाती है तो जनरेशन प्लान में इनकम बंद हो जाती है, नहीं मिलती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि आपकी डाउनलाइन आपको क्रॉस कर जाती है और आपकी टीम से आउट हो जाती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। आप स्टार सिल्वर हैं, आपकी डाउनलाइन भी स्टार सिल्वर आ गई तो 2% तो टोटल टीम का टर्नओवर का उस डाउनलाइन को जाएगा, लेकिन उसका जो भी चेक बनेगा उसका 10% ओवरराइडिंग आपको आएगा। इसके बाद बात करूं मैं आठवीं इनकम, रॉयल्टी इनकम, जो डायमंड बनने के बाद मिलती है। 5-5 करोड़ का बिजनेस वॉल्यूम जो 4 लेगों में कर देता है वो यहाँ डायमंड कहलाता है। जैसे लेखक और साइंटिस्ट को रॉयल्टी जाती है तो यहाँ भी डायमंड बनने के बाद आपको रॉयल्टी इनकम मिलती है, जो कंपनी के टोटल टर्नओवर का 0.50% निकाल कर सारे डायमंड में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसके बाद सम्मान और विदेश यात्रा, चूंकि अभी हमारे सेमिनार्स नहीं हो रहे तो जूम यूट्यूब जब पे यहाँ पे जब भी सेमिनार होते हैं, आप कोई भी रैंक अचीव करते हैं तो आपका यहाँ जबरदस्त सेलिब्रेशन होता है। और अभी इस कोरोना काल में विदेश यात्रा संभव नहीं है तो कंपनी आपको नए नए ऑफर दे रही है, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, अगर आप यहाँ से 7,500 का माल खरीदते हैं तो 500 का प्रोडक्ट आपको फ्री मिलेगा, अगर यहाँ पे आप सिंगल इनवॉइस में 10,000 का माल खरीदते हैं तो आपको यहाँ 750 का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। साथ ही अभी कंपनी ने ऑफर चला रखा है, आपको मास्क भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं इसी परचेजिंग के ऊपर, और सैनिटाइजर भी आपको यहाँ ऑफर में मिलता है, जिसकी आप ज्यादा जानकारी जिन्होंने आज आपको यहाँ इनवाइट किया है उनसे ले सकते हैं। नॉमिनेशन फैसिलिटी भी कंपनी प्रोवाइड करवाती है, जैसे ही आप यहाँ पहला लेवल अचीव करते हैं 3 लाख का दुर्घटना बीमा आपका कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट कर देती है। तो नेटवर्क मार्केटिंग और वर्कप्लेस में क्या अंतर है, वर्कप्लेस में एक दूसरे को पीछे धकेल कर आगे बढ़ने का काम होता है। जैसे मैं खुद की बात करूं तो मेरा ट्रेडिशनल व्यापार बटर का है, मैं दूसरे बटर के डिस्ट्रीब्यूटर की दूसरी कंपनी के सेल बिगाड़ के अपनी सेल को आगे बढ़ाता हूं, लेकिन यहां आप एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ते हैं। जब तक आप अपने एसोसिएट को आगे नहीं बढ़ाते तब तक आप खुद आगे नहीं बढ़ सकते। तो सद्भावना का व्यापार है, एक दूसरे को आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ने का व्यापार, बढ़ाते हुए आगे बढ़ने का व्यापार है। अगर फीचर्स की बात करूं, इस बिजनेस में किसी तरह का कोई निवेश नहीं है। मैंने ट्रेडिशनल व्यापार में जब अपने बटर के बिजनेस को स्टार्ट किया तो तकरीबन 3 से 6 लाख रुपए कॉस्टिंग आई, यहाँ कोई निवेश नहीं है क्योंकि आप घर की जरूरत का सामान खरीदते ही आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। जोखिम भी नहीं है, आपने पैसा दिया आपको प्रोडक्ट मिल गया तो किसी प्रकार का जोखिम नहीं है। ऑल ओवर इंडिया में आप इस बिजनेस को कहीं भी डेवलप कर सकते हैं, और जल्दी हम इंडिया से बाहर भी लॉन्च हो रहे हैं, आप वहां भी डेवलप कर सकते हैं। कोई लक्ष्य नहीं है किसी तरह का, साप्ताहिक आमदनी है, 7 दिन में पैसा देते हैं, अकाउंटिंग रखनी नहीं पड़ती क्योंकि टीडीएस काट के पैसा आता है, खाली समय का सदुपयोग किया जा सकता है इस व्यापार को करते हुए। एजुकेशन की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आप अंगूठा ठीक आदमी है तो भी इस बिजनेस को कर सकते हैं, अगर आप वेल एजुकेटेड हैं तो भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। घर से आधारित व्यापार है, कोई गोदाम कोई दुकान चाहिए नहीं, कम परिचालन लागत में स्टार्ट हो जाता है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, असीमित संभावना है पैसे कमाने की, और जो सबसे मेन चीज है वो है नामांकन सुविधा। आज आप जब नौकरी कर रहे हैं, कल को ऊपर वाला कुछ ना करे आपको कुछ हो जाए तो क्या आपका सीट आपको तब भी सैलरी देगा आपके परिवार को? नहीं। आज किसी कलेक्टर को कुछ हो जाए तो क्या आप उसके बेटे को कलेक्टर बना देंगे? नहीं। लेकिन ये ऐसा शानदार व्यापार है, आज जिस पोजीशन में मेरा व्यापार है, आज मुझे ऊपर वाला ना करे कुछ हो जाए तो एज इट इज ये इनकम मेरे नॉमिनी को ट्रांसफर होगी, मेरे परिवार को ट्रांसफर होगी। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है कंपनी में, जो लीडर आज इस दुनिया में नहीं है, कंपनी आज भी उनको बहुत अच्छा पैसा जो उनकी आईडी पर जनरेट हो रहा है ट्रांसफर कर रही है। ट्रेनिंग और सपोर्ट, जैसा मैंने बताया खुद का आरवे सक्सेस एकेडमी है जो हमेशा आपको आगे बढ़ाने में मदद करता है। इन्हीं सब कारणों से एमआई लाइफस्टाइल एक बहुत बेहतरीन बिजनेस है, यहाँ से आप अपने सारे सपनों को अचीव कर सकते हैं, चाहे वो कार खरीदने का हो, घर खरीदने का हो,
ज्वेलरी खरीदने का हो, ऑफिस बनाने का हो, कैसा भी सपना हो, तो आज आपको इस चैनल पर इस लाइव सेशन में जिसने भी बुलाया है उसका हाथ थामी है और इस बिजनेस को स्टार्ट कीजिए। आपके मन में यदि कोई शंका या सवाल है तो उससे पूछिए, वो आपको पूरा समाधान देगा, आपके हर एक सवाल का आपको जवाब देगा। लेकिन चूंकि ये मत, आप चाहते हैं कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट हो, आप चाहते हैं कि आप घर बैठे अपनी फैमिली की केयर करते हुए, अपनी खुद की केयर करते हुए घर बैठे इनकम अर्जित करें, तो आज इस व्यापार को शुरू करें और भारत को आत्मनिर्भर, स्वदेशी चीजें अपनाने के लिए निर्भर बनाने में एक दूसरे की मदद करें। तो दोस्तों, यहाँ पूरा बिजनेस प्रेजेंटेशन खत्म हुआ। जैसा आप हर GTS में मेरे चैनल पर एक VIP लीडर से मिलते हैं, जैसे आपने पहली बार मिस्टर हर्षवर्धन जैन, जो बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनसे मुलाकात की, उसके बाद ITC लीडर संकेश वायल सर, जो 3 IDO पे ITC मुंबई से बिलोंग करते हैं, उनको सुना। तो आज बारी है दिल्ली से एक ITC लीडर मिस्टर गौरव बजाज सर, जिन्होंने अपनी लाइफ को तो 360 डिग्री के एंगल में बदला ही, साथ में बहुत सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन किया, और एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हुए भी इस बिजनेस में बहुत अच्छी कामयाबी हासिल की। तो आइए अब सुनते हैं हम गौरव बजाज सर को। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं गौरव बजाज आप लोगों का स्वागत करता हूं इस स्पेशल सेशन के अंदर। इस खूबसूरत बिजनेस को जब मैंने पहली बार देखा तो उस समय मैं जॉब कर रहा था एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक US बेस्ड कंपनी के साथ गुड़गांव के अंदर। मुझे नहीं पता आपको इस बिजनेस के अंदर क्या समझ में आया, बट दो चीज़ें मुझे इस बिजनेस में ऐसी कमाल की मिली जिनको शायद मैं ज़िंदगी में ढूंढ रहा था। क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं, जहां मैंने अपने पेरेंट्स को बहुत मेहनत करते हुए देखा गवर्नमेंट जॉब के अंदर, तो मुझे ऐसे लगता था पैसा कमाना ज़िंदगी में बहुत मुश्किल है। और मैं बचपन से ही देख रहा था कि सुबह 9 बजे घर से निकलना, शाम को 5 बजे घर आना, राइट, और इतनी मेहनत करने के बावजूद भी छोटी छोटी चीज़ों के लिए मेरे पेरेंट्स को सोचना पड़ता था। इवन यहाँ तक कि मुझे इंजीनियरिंग करवाने के लिए और मेरे ब्रदर को MBA कराने के लिए उनको लोन लेना पड़ा। छोटी छोटी चीज़ों के लिए बजट बनाने पड़ते थे और वो बजट महीने की 10 तारीख को आके बिगड़ जाया करते थे। तो वेट होता था, इस काम को दिवाली पे करेंगे, इस काम को होली पे करेंगे, इसको नेक्स्ट सैलरी पे करेंगे, इस काम को नए साल पे करेंगे। तो कुछ इस तरीके से ज़िंदगी आगे बढ़ती चली गई। एक साइकिल के ऊपर उस सफ़र को शुरू किया, एक स्कॉलरशिप लगा तो सेकंड हैंड बजाज चेतक स्कूटर आया। तो ज़िंदगी में बार बार दिमाग में एक ही मैसेज जा रहा था, पैसा कमाना आसान नहीं है। और जब अक्सर हम लोग अपने पेरेंट्स से पूछा करते थे कि हमारे पास ज़िंदगी में इतना पैसा क्यों नहीं है, राइट, हम लोग अमीर क्यों नहीं हैं, हमारे पास बड़े घर क्यों नहीं है, हमारे पास लग्जरियस लाइफस्टाइल क्यों नहीं है, तो हमें अक्सर ये सुनने को मिलता था कि जिन लोगों के पास वो सब कुछ है वो लोग ज़िंदगी में बिज़नेस करते हैं, और बिज़नेस करने के लिए बहुत पैसे की ज़रूरत होती है, और बहुत पैसा कमाने के लिए हमारे पास क्या चॉइस है। क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स भी जॉब करते थे, मॉम डैड भी जॉब करते थे, तो हमें लगा हमें भी जॉब ही करनी है और कोई चॉइस और विकल्प नहीं है। और अगर ज़्यादा पैसे कमाने हैं, अच्छे पैसे कमाने हैं, तो अच्छी जॉब करनी पड़ेगी, और एक अच्छी जॉब आपको तब मिल सकती है जब आप पढ़ाई अच्छे से करेंगे। इसलिए बचपन से लेके अपने इंजीनियरिंग तक की पढ़ाई के लिए मैंने बहुत मेहनत करी, मोटी मोटी किताबें पढ़ी और आँखें 2 से 4 हो गई। मेरा इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ, 4 साल का मैंने BTech कंप्यूटर्स में कंप्लीट किया, और जब मैं नौकरी की तलाश में मार्केट में निकला तो पता चला मार्केट में है रिसेशन, और रिसेशन होने की वजह से उस समय मार्केट के अंदर जॉब्स थी ही नहीं। तो करीब 6 महीने अनएम्प्लॉयड रहने के बाद फाइनली 13,500 रुपये से मैंने अपने करियर की शुरुआत की। 13,500 रुपये, यस यू हर्ड इट राइट। और उस ऑफर लेटर पे क्या लिखा हुआ था, ऑफर लेटर पे माय डियर फ्रेंड्स, कि अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपकी जॉब परमानेंट हो जाएगी, अदरवाइज छुट्टी। तो हमने बहुत मेहनत करी, परमानेंट हुए उस जॉब के अंदर, बेस्ट एम्प्लॉय बने, खूब मेहनत करी, सैलरीज बढ़ी। फाइनली ये सफ़र मेरी ज़िंदगी में 3 साल चला, और मेरे को ये साफ साफ समझ आने लगा कि अगर इस तरीके से मैं लाइफ में चलता रहा तो मेरे साथ भी वैसा ही होगा जैसे मेरे पेरेंट्स के साथ हुआ।
तो बार बार दिमाग में आ रहा था बिजनेस बिजनेस बिजनेस। और अक्सर मैं अपने दोस्तों से डिस्कस करता था कि कोई बिजनेस करें, कोई आइडिया पे काम करें और हम भी अपनी ज़िंदगी को बदलें। लेकिन तीन चीज़ों की वजह से कोई भी बिजनेस मैं नहीं कर पाता था। सबसे पहली चीज़, किसी भी बिजनेस को करने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। दूसरी चीज़, किसी भी बिजनेस को करने के लिए एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज चाहिए। और तीसरा, रिस्क लेना पड़ेगा। हो सकता है आपको अपना जॉब छोड़ना पड़े, काम छोड़ना पड़े, अगर आप किसी और काम में कामयाब होना चाहते हैं। और मेरे पास ये तीनों ही ऑप्शंस नहीं थे। लेकिन जब ये डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस मेरे सामने आया तो मुझे पहली बात क्या समझ में आई कि इस बिजनेस में वो प्रॉब्लम नहीं है जिसकी वजह से मैं अभी तक जिंदगी में बिजनेस नहीं कर पा रहा। तो ये तीनों प्रॉब्लम्स डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में नहीं थी, वो सबसे पहला कारण बने मैंने इस बिजनेस को करने के लिए अपना मन बनाया। दूसरी बात, मेरे को डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस मॉडल में क्या समझ में आई कि अगर मैं इस बिजनेस में आगे बढ़ता हूं तो मेरा नुकसान होने का कोई चांस नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई मर्जी सिचुएशन हो पूरे वर्ल्ड के अंदर, लोग नहाना धोना खाना पीना नहीं छोड़ सकते। मतलब सोप शैम्पू ऑयल टूथपेस्ट फेस वॉश ये सब तो चाहिए चाहिए। अगर ये चाहिए तो इस बिजनेस के अंदर कभी भी रिसेशन नहीं आ सकता और नुकसान नहीं हो सकता। तो ये दूसरी बात मेरे को समझ में आई और मैंने एक छोटा सा सपना बनाया कि अगर मुझे हफ्ते का 1,000, 2,000, 3,000 रुपए का चेक भी आएगा तो महीने की एक 8,000 से 10,000 रुपए की इनकम बन सकती है। और इस सोच के साथ मैंने इस बिजनेस के अंदर मेहनत करना, काम करना शुरू किया। मुझे नहीं पता था कि बिजनेस इतना बड़ा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इन बातों का ज्ञान मुझे तब हुआ जब मैंने इस बिजनेस के अंदर एंट्री ली। एंड आई वांट टू से थैंक्स टू द पर्सन जिन्होंने मुझे गाइड किया, मुझे मेंटर किया, मुझे सिखाया इस बिजनेस में आगे कैसे बढ़ना है, मिस्टर दीपक बजाज। और उनकी ये मेंटरिंग और गाइडेंस का रिजल्ट क्या हुआ कि एक बच्चा जो अपनी नौकरी कर रहा था जॉब के अंदर, जिसे इस बिजनेस के बारे में नहीं पता था, वो सीखते सीखते इस बिजनेस में प्रोग्रेस करने लगा। और 5.5 महीने के अंदर अपनी जॉब के साथ साथ इस बिजनेस को करके मुझे ये समझ में आने लगा कि अगर मैं जॉब की जगह इस बिजनेस को फुल टाइम करूंगा तो मैं जिंदगी में वहां पहुंच सकता हूं अगले 3 साल में जहां वो नौकरी 30 साल के अंदर भी मुझे नहीं पहुंचा सकती। तो मैंने जिंदगी में एक डिसीजन लिया, अपनी जॉब को रिजाइन किया और इस बिजनेस को फुल टाइम करने का डिसीजन लिया। मैं उस समय 60,000 रुपए की मोटरसाइकिल चलाया करता था जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया अपनी जॉब के अंदर, राइट, पार्ट टाइम करते करते। और जानते हैं, विद इन 7 मंथ्स माय डियर फ्रेंड्स, मैं अपनी जिंदगी की पहली गाड़ी इस बिजनेस की वजह से ली, एक ऑल्टो एलेक्स ब्लैक कलर की। जिंदगी यहाँ पे नहीं रुकी, क्योंकि जैसे जैसे मैं लोगों की तरफ आगे बढ़ा बहुत सारे सवाल मेरे पास आए, बहुत सारी रुकावटें मेरे पास आई, क्योंकि एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम मेरे पास था। लेकिन मैं इस बिजनेस के अंदर प्रोग्रेस करता चला गया। और तीन चीज़ें MI लाइफस्टाइल के प्लान में ऐसी कमाल की हैं जो इस इंडस्ट्री में आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी। सबसे पहली चीज़, जो प्रोडक्ट्स हैं दे आर सो पावरफुल। और अगर अभी आप देखेंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बताया कि आप आयुष मंत्रालय और आयुर्वेदा को प्रेफर कीजिए और उनकी गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए। तो आज यहाँ पे हमारे पास प्रीमियम आयुष सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं, बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड का अवार्ड हमारे पास है और हमारे मैन्युफैक्चरर वर्ल्ड क्लास है, माय डियर फ्रेंड्स। दूसरी चीज, माई लाइफस्टाइल के इनकम प्लान का कोई कंपैरिजन नहीं है। इट्स सो सिंपल बट पावरफुल, बहुत ही पावरफुल इनकम मॉडल है MI लाइफस्टाइल का। ये हमारी सेकंड स्ट्रेंथ है। एंड थर्ड इज द सपोर्ट सिस्टम। ना केवल वो व्यक्ति आपको सपोर्ट करेगा जो आपको इस बिजनेस में ला रहा है, ना केवल वो टीम सपोर्ट करेगी, कंपनी का खुद का एजुकेशन सिस्टम है हार्वेस्ट सक्सेस अकेडमी, जो हजारों प्रोग्राम एक महीने के अंदर करता है आपको सपोर्ट करने के। तो अगर ये तीन चीजें आपके साथ हैं तो डेफिनेटली आप एक डिसीजन ले सकते हैं जिंदगी में इसको अपना करियर बनाने का। ये सोच के मैंने इस बिजनेस के अंदर फुल टाइम करने का मन बनाया। और जो सफर मैंने एक मोटरसाइकिल के ऊपर 60,000 की सैलरी के साथ शुरू किया था, 2,000 रुपए इस बिजनेस से आ जाए इस सोच के साथ शुरू किया था, टुडे आई एम स्टैंडिंग एज ए सीलिंग अचीवर, 2,10,000 रुपए वीकली इनकम के साथ मैं इस बिजनेस के अंदर खड़ा हूं, माय डियर फ्रेंड्स। ITC प्लैटिनम लेवल पे मैं पहुंच गया और वो जो सफर बाइक से शुरू हुआ था आज वो गाड़ियों में कन्वर्ट होता चला गया। आज मेरे पास टॉप मॉडल डस्टर है, इनोवा है, मर्सिडीज जैसा ब्रांड, और अभी 7 महीने पहले मैंने गाड़ी ली है, रेंज रोवर इवोक, माय डियर फ्रेंड्स। तो वो जो एक सफर मोटरसाइकिल से आज करोड़ों की गाड़ियों में कन्वर्ट हुआ, क्या वो मेरी ताकत है या इस प्लेटफॉर्म की ताकत है? इस प्लेटफॉर्म की ताकत, अगर ये मेरी ताकत होता तो ये मेरे पास पहले भी हो सकता था। तो आज एक अच्छा घर मेरे पास है, करोड़ों रुपए की इनकम मैंने इस बिजनेस से बनाई, अच्छी प्रॉपर्टीज मैंने इस बिजनेस से बनाई। ये सारी चीजें जो मैं आपको बोल बोल के बता सकता हूँ, लेकिन एक ऐसी चीज है जो इस बिजनेस ने मुझे दी जो नौकरी में कभी भी पॉसिबल नहीं था मेरे लिए। और वो मैं था मेरा एक सपना कि मैं एक ज्वाइंट फैमिली के अंदर एक साथ अपनी फैमिली के साथ रहूं, और वो भी इस बिजनेस की वजह से पॉसिबल हो पाया, माय डियर फ्रेंड। आज अपनी एक फैमिली के साथ
अपने 5 बच्चों के साथ, ज्वाइंट फैमिली में हम लोग एक साथ रहते हैं, और मेरे बच्चों को भी वो संस्कार मिल रहे हैं जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिए, और कहीं ना कहीं मेरे लिए ये उस करोड़ों रुपए की इनकम से भी बहुत ज़्यादा है। आज करीब 20 से ज़्यादा देश हैं जो मैंने घूमा हूँ इसकी वजह से, राइट, और बहुत सारे अपने और ड्रीम्स मैंने इस बिज़नेस की पावर से पूरे किए। आपको सिर्फ मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, आपको सिर्फ एक डिसीज़न लेना है माय डियर फ्रेंड्स, और ये डिसीज़न ना केवल आपकी ज़िंदगी को बदलेगा, लाखों और लोगों की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। और ऑर्डनरी लोग जब ज़िंदगी में डिसीज़न लेते हैं तो वो पूरे वर्ल्ड को बदल देते हैं माय डियर फ्रेंड्स। एक ऑर्डनरी सी लेडी ने ज़िंदगी में डिसीज़न लिया, शी वॉज़ ए ऑर्डनरी टीचर इन लाइफ, एक स्कूल में पढ़ाते थे, और एक दिन सड़क पर चलते चलते उन्हें नज़र आया कि एक व्यक्ति भूख की वजह से मर गया, और कहीं ना कहीं उन्होंने एक दिल से डिसीजन लिया कि मैं कोशिश करूंगी कि कोई व्यक्ति भूख की वजह से ना मरे। आज उनके एक डिसीजन की वजह से लाखों लोग महीने के अंदर खाना लोगों तक पहुंचता है, और लोग आज उन्हें मदर टेरेसा के नाम से जानते हैं। एक लड़का जो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल और डीजल भरता था, उसने ज़िंदगी में डिसीजन ये नहीं लिया कि मोटरसाइकिल मुझे चाहिए, गाड़ी मुझे चाहिए या पेट्रोल पंप चाहिए, उसने डिसीजन लिया जहाँ से ये ऑयल आता है वो रिफाइनरी मुझे चाहिए। लोग आज उसे ग्रेट बिजनेसमैन धीरूभाई अंबानी जी के नाम से जानते हैं। मैं नहीं जानता माय डियर फ्रेंड्स कि आप धीरूभाई अंबानी बनेंगे, आप मदर टेरेसा बनेंगे, लेकिन इस बात का वादा कर सकता हूं आप अपने खानदान के मदर टेरेसा या धीरूभाई अंबानी जरूर बनेंगे। सिर्फ एक डिसीजन लीजिए, और आज ये देश बात कर रहा है आत्मनिर्भर होने की, आज ये बात देश कर रहा है आत्मनिर्भर होने की। ना केवल आप आत्मनिर्भर बनेंगे इस बिजनेस में, आप और लाखों लोगों को मदद करेंगे आत्मनिर्भर बनने के लिए। तो इसी चीज़ों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा, और आप लोगों को बेस्ट विशेस देना चाहूँगा, एंड टेक दिस वंडरफुल डिसीजन। जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल। थैंक यू।